पुचकू नहा लो, पुचकू अपना खाना खत्म करो, पुचकू कक्षा में जाओ, पुचकू बस में जाओ, पुचकू अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पुचकू है कहाँ? पुचकू व्यस्त है, उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, ढोडला ने पुकारा। किताब पढ़ने का तो मजा कुछ और ही है, पुचकू बोली। देखो यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और उसको जरा खींचो, लो एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। फुर्र। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। अब मैं क्या करूं? और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को, पुचकू रोने को आ गई। मगर तभी वहां क्या है? पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन खाने किताबों से भरे हुए और बहुत सी किताबें। पुचकू खुशी से झूम उठी। मगर एक गड़बड़ थी, पुचकू तो छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कई बाहर। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो? पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। पुचकू को एक तरकीब सूझी, उसने बोल्टू और ढोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू तू बड़ा भारी है, ढोडला कुड़कुड़ाया। मैंने तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया, यह पुचकू है। पुचकू ने धीमे से कहा, श्श, बस हो गया। तभी सब गड़बड़ हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और ढोडला 9-2-11 हो चुके थे। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लंबी लाइब्रेरियन ने कहा। पुचकू ने रुआसी होकर कहा,
मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची है। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचकू ने सर हिलाया। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी और यह भी, और खुशी से बोली, धन्यवाद। वो वाली भी ले लो, जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था, लाइब्रेरियन बोली। आप भी कभी छोटी थी? पुचकू ने पूछा। बिल्कुल, तुमसे भी छोटी, फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें लाकर दूंगी, ठीक है ना? मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, वह दो किताब में रम गई। वृत्त, रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो, अब एक नई कहानी, क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई है एक नई किताब। धन्यवाद, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। See you in the next one. Bye-bye.